Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और ये व्लॉग्स बाय नियो चैनल पे। आज हमारे स्टूडियो पे बहुत ही हसीन एक कलाकार है, मिस्टर सत्यजीत सर, हमारे दिल्ली से ही है। और हमसे आज फ़ोन पे बात हुआ था और उन्होंने पूछा, यार आप किधर से हो यार, आपका बात पहले तो इंग्लिश में बात करने लगे। दुबई में मैंने आपको बताया था, सब ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते, हिंदी तो फिर बाद में बोलते, यार आप किधर से हो। मैं बोला हाँ दिल्ली से हूँ, तो फिर हिंदी में शुरू हो गया हम लोग बात करना। और आज याद दिला दिया, हमारे 70s 80s का बात है। और आप भी शायद सतीश साहब हमारी उम्र के ही लग रहे हैं, मैं 44 का हूँ, 46 का। देखो सेम उम्र के, तो हमारे ज़माने में ये जो गाने बहुत ही फेमस हुआ करता था और अभी भी शौकीन रखते हैं सतीश साहब। और आज आए थे, मुझसे थोड़ा बहुत गाली पड़ने वाला था, उससे पहले उन्होंने सुधार लिया, ताल में थोड़ा वीक है लेकिन आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इनका। और ये हमारे सतीश साहब बहुत ही अच्छे सिंगर है। आज आपने कौन सा गाना गाया था आपने? मैंने एक अजनबी हसीना से आपको ये मुलाकात हो गई, ये शौक कब से आपको? मतलब म्यूजिक को मैं बचपन से ही बहुत पसंद करता था जी। एज आई टोल्ड यू, आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे मेरे से बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, तो उनके पीछे हमको कभी मतलब हमको पता ही लगता नहीं था कि हम भी गा सकते हैं। तो कॉलेज में, इसके बाद कॉलेज में आया तो फिर अपना ठीक है, हॉस्टल में रहते थे, बाथरूम में नहाते नहाते गाना गाता था, तो मेरे सीनियर वालों ने बाथरूम से मेरा आवाज सुना, तो वहां से मुझे स्टेज में लेके गए, तो चलता रहा स्टेज पर गया, फिर स्टेज स्टेज में चलता गया। तो फिर इसके बाद काफी सालों बाद मैंने फिर सोचा नहीं सीखना चाहिए, या मेरे मित्र एवं मेरे गुरु जोगीराज सिकदार हैं यहाँ पे, मल्हार में वो सिखाते हैं जी जी जी, तो वहाँ पे मैंने सीखना स्टार्ट किया। बहुत, आपने जैसे बोला ना ताल, बहुत गालियाँ पड़ती है मुझे, बहुत गालियाँ पड़ती है। तो सतीश साहब एक्चुअली इनका जो है गाना मैं डालूंगा, आपको थोड़ा क्लिप डालूंगा छोटा सा, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें कॉपीराइट कंटेंट रहता है, तो उसके कारण मैं आपको सुनाऊंगा इनका आवाज़ और इनका वोकल्स मैं ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि इनका जो वोकल्स है इसमें जान है और बहुत ही प्यारा है इनका आवाज़ जो है। ऊपर वाले ने सरस्वती माँ का इनको ये मिला हुआ है आशीर्वाद जो बोलते हैं, सच्ची में आवाज़ बहुत ही प्यारा है इनका, मीठा आवाज़ है। म्यूज़िक तो मैं ज़्यादा नहीं डाल सकता अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन हाँ आप देख सकते हो। और प्रोसीजर मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आपको, मैंने जो रिकॉर्ड किया आज, कैसे हम लोग आज सत्यजीत साहब को रिकॉर्डिंग किया था। और ये भी ज़रूर देखेंगे आपका यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ सत्यजीत बीएच, देखो इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, इनका यूट्यूब का चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा कमेंट बॉक्स पे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इनको फॉलो कीजिए और ऐसे ही आर्टिस्ट लोग को आगे बढ़ाइए, बिकॉज ये एक पैशन रहता है आदमी का। ये लोग कुछ अपना कुछ कमाने के लिए नहीं कर रहे, बस जिंदगी का एक शौक था, अभी वो इस उम्र में खत्म कर रहे। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, ये म्यूजिक या कोई स्पोर्ट्स या कोई भी आप एक्टिविटी करें, ये बेसिकली आपका जो आज के जीवन में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के लिए बहुत काम आता है। आपको शाम को आके थोड़ा सा गाना गा लीजिए, आपका मन खुश हो जाता है, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक निकल गया। सो बेस्ट थिंग है आप कुछ ना कुछ करते रहिए अपार्ट फ्रॉम योर डेली वर्क रूटीन। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या खूबसूरत बात बोला इन्होंने। अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, इससे पहले आप कहीं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की आपने? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आपको? मुझे तो पता भी नहीं चला था कैसा क्या करना है, कैसा क्या होता है। ओके, इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस, तो मैं भाई से मिलूंगा कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ करते रहेंगे हरदम। आज ऐसे ही मिलते मिलते, पहले तो बहुत ही सीरियस बात हुआ था हमारा, हम जब बात किया था वो सब, लेकिन बाद में जब रिकॉर्डिंग सेशन शुरू हुआ था, जो बोलते ना एक, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था आज इनका ताल के ऊपर, और मैं सोच रहा था अभी जाके मारूं दो लगाऊं, लेकिन मेरे को लेकिन बंदे ने बाद में पकड़ लिया था ताल, और उन्होंने खुद बोला नहीं यार मुझे ताल का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन पकड़ लिया ताल। तो अभी इनका नेक्स्ट जो भी गाना आएंगे हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे और बहुत ही प्रोफेशनली हम लोग उसका वीडियो भी बना के डालेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। और थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़रूर लाइक बटन दबाइए ये सत्यजीत साहब के लिए। नमस्कार, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद, थैंक यू। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने।